सब बोले कमल ला जय जोहार। लेका हो तुमन जानत हो एक महीना मा दो ठन पाक होते, अंधियारी पाक और अंजोरी पाक। अंधियारी पाक मा रात मा चंदा नहीं हुआ तेकर से ती रथिया मा अंधियारी थे। अंजोरी पाक मा चंदा उठे ता चारो मुड़ा अंजोर हो जाते। एक पाक हा 15 दिन के होते, मतलब 15 दिन के अंजोरी पाक और 15 दिन के अंधियारी पाक। अंजोरी रथिया लेका मल्ला ज्यादा निकला थे, लेका मन चंदा लम्मा मघलो गए थे। चंदा के अंजोर मा लेका मन मगन होके नाचते गाते और खेलते। चंदा के अंजोर हा घर द्वार खेत खार नदी दरिया जम्मो डहार बग रहे। यही हा अंजोरी रथिया के सुघरई होते। त चलो ऐसने अंजोरी रात के बारे में हमन पाठ 21। बगरे हे चंदा अंजोर। अरे अरे मैं गाना नहीं गावा था, ये तो ये पाठ के नाव हरे बगरे हे चंदा अंजोर। ये पाठ कविता है, तहु मन मोर सन पढ़ाओ। घर द्वार खार खार रूख राई डार डार, घर द्वार खार खार रूख राई डार डार, बगरे हे चंदा अंजोर, बगरे हे चंदा अंजोर। दरिया के पार पार लईका पारे गुहार, दरिया के पार पार लईका पारे गुहार, चंदेनी सुलतावत ही पानी मा पाओ बोर, बगरे ही चंदा अंजोर, बगरे ही चंदा अंजोर। गीत गावत लहरामा बरछबारी बहरामा, गीत गावत लहरामा बरछबारी बहरामा, लई कुसहा अंतस लीला में ही मया के डोर, बगरे ही चंदा अंजोर, बगरे ही चंदा अंजोर। हास हास खेलते हैं पुरवाई हा पेलते हैं, हास हास खेलते हैं पुरवाई हा पेलते हैं, दुदुहा के दांत कस हो, दुदुहा के दांत कस तरिया के हिलोर, बगरे ही चंदा अंजोर, बगरे ही चंदा अंजोर। के वट के मलगी मा खुखमा के फुलगी मा, के वट के मलगी मा खुखमा के फुलगी मा, पुरैन पान थारी मा खीर कस छछले कोर, बगरे ही चंदा अंजोर, बगरे ही चंदा अंजोर। बोर झरी झाऊ मा परछ जाता पाऊ मा, बोर झरी झाऊ मा परछ जाता पाऊ मा, मड़ियावत है मूच मूच हो, मड़ियावत है मूच मूच रेंगत संगी अगोर, बगरे ही चंदा अंजोर, बगरे ही चंदा अंजोर, बगरे ही चंदा अंजोर, बगरे ही चंदा अंजोर। तली कहो बने लागिस ना कविता हा, तो चलो एक अर्थ समझ ले था। घर द्वार खार खार रुख राई डार डार, बगरे हे चंदा अंजोर। जब अंजोरी रात आते तब चंदा के अंजोर कहाँ बगरे रही थे? चंदा के अंजोर हा घर द्वार मा खेत खार मा रुख राई के डारा डारा मा, रुख राई मतलब पेड़ पौधा और एक एक ठंडारा मा हर जगह बगरे है। तरिया के पार पार लेका पारे गुहार, चंदेनी सुरतावत है पानी मा पाओ बोर, बगरे है चंदा अंजोर। गुहार मतलब चिल्लाना हल्ला करना और सुरतावत है मतलब आराम करत है और पाओ बोर पावला बोर के है ना। ता चंदनी रात मा जब चंदा हुए है ता चंदा के अंजोर मा लेका मनहा तरिया के पार मा खेला थे आओ चिल्लावा थे। लेका मन खेलते तो चिल्ला चिल्ला के खेलते ना। चंदा और चंदनी के छैया हाँ पानी में पड़ा थे, ता ऐसे लागा थे
जैसे वो मन पानी में अपन पाँव लबोर के सुरतावत है, छैया पड़ते देखता हो ना, ऐसे लगते जैसे पानी में बुड़ गए वो मन, है ना, तो ऐसे लगा जैसे पानी वाला पाँव में बोर के सुरतावत है, आराम करत है, गीत गावत लहरामा बरछा बारी बहरामा, लेकुसा अंतसले लामे है मया के डोर, बगरे है चंदा अंजोर। लहरा लहरा वाला हिंदी में क्या कहते हैं, लहर, और बहरा खेत, है ना, लेकुसा मतलब छोटे छोटे लीका मन के, अंतस मतलब मन, ठीक। चंदा के अंजोर माँ खुशियार के खेत सरसर करके लहरावा थे, खुशियार यानी हिंदी में क्या कहते खुशियार ला, हाँ गन्ना, गन्ना के खेत लहरावा थे, तैसे लागत है जैसे वो मन गीत गावत है, और लैका मन के हृदय माँ माया के डोर बंधा है, सब एक दूसरे माया करके खेला थे ना, हंस हंस खेला थे, पुरवाई है पेला थे, दुधमुहा के दांत कस तरिया के हिलोर, बगरे है चंदा अंजोर। पुरवाही मतलब पूरब दिशा जिन हवा थे, पूर्व की हवा है ना, और दूध मुहा छोटे लेका जो दूध पियत्री थे, तो चलो ये कविता के अर्थ जान था, कवि कहा थे कि लेका मन हंस हंस के खेला थे, और उत्ती डहर ले हवा चला थे, उत्ती मतलब पूरब, जेती सूरज उठे ओले उत्ती के थे, है ना, हवा चलत थे जेकर सेती तरिया के पानी में हिलोर पड़त थे, लहरावत थे तरिया के पानी हाँ, जिन्हा दुधमुहा के दांत कस लागत थे, अब दुधमुहा के दांत कैसे, नानकर लीका दांत होते का नहीं हुआ ना, फिर ओकर जो मसूड़ा है तेना ऊपर नीचे रहते, तो तरिया के हिलोर हा वैसने है दुधमुहा के दांत कस लागत थे। केवट के मलगी माँ खोखमा के फुलगी माँ पुरैन पान थारी माँ खीर कस छसले कोर, बगरे है चंदा अंजोर। मलगी मतलब छोटे को नाव डोंगा, और खोखमा खोखमा ला हिंदी में क्या कहते, हाँ कमल के थे कमल, और पुरैन पान मतलब कमल के पत्ता, तो चलो एक अर्थ जान लेता हन, चंदा के अंजोर हा केवट के डोंगा, केवट जेमे मछली धरे बर जाते तेन डोंगा माँ, खोखमा मतलब कमल के ऊपर, और कमल के पत्ता जिला पुराइन पान कहे जाते के ऊपर पानी के बूंदा पड़े है, ता कृष्णा लागत है जैसे थारी माँ खीर है, थारी में खीर कस दिखत है। बोईर झरी झाऊ माँ परछी जाता पाओ माँ, मड़ियावत है मूच मूच रेंगत संगी अगोर, बगरे है चंदा अंजोर। झरी मतलब झाड़ी, और परछी बरामदा, मड़ियावत मतलब छोटे ली कमल रिंग थे ना घुटना के बल, तेला मड़ियाना की थे, ठीक है, तय कर अर्थ जान थे। चलो कवि कहा थे कि चंदा के अंजोर हा बोईर के झाड़ी माँ, सब बोईर मन के झाड़ी माँ, परछी में माढ़े जाता अवकर मुठिया ऊपर, बगरे है, और वही जगह नान कुन लेका हा मूच मूच मड़ियावत रेंगा थे, हंसा थे मूच मूचा थे, है ना, ओला देख के बाकी लेका मन जमन खेला थे, मन कहा थे अगोर लो वहू आवा थे नानकुन हा, है ना, त अपन नानकुन संगवारी लतको ओमन अगोरा थे। त लेका हो तुमन ये कविता ला पढ़े हो, एकर अर्थ लतको जाने हो, त चलो अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं, खाले लिखा है प्रश्न के उत्तर बतावो, ये मेरे प्रश्न लिखा है तेकर उत्तर बताना है। पहला प्रश्न हरे, मलगी काला गई थे, काला कही थे मलगी, हाँ मलगी डोंगा काला कही थे। अब अगला प्रश्न देखा, चंदा के अंजोर कौन कौन ठौर में बगरे है, उत्तर हरे, चंदा के अंजोर घर द्वार खेत खार नदिया तिरिया जम्मो डहार बगरे है। अब अगला प्रश्न देखा, दूधमुहा के दांत कस कहाँ लगा थे, कहाँ लगा थे दूधमुहा के दांत कस, एकर उत्तर है दूधमुहा के दांत कस तरिया के हिलोर हा लगा थे। अब अगला प्रश्न देखो, खोखमा कहाँ फूल थे, कहाँ फूल थे, बिल्कुल सही, खोखमा हा तरिया मा फूल थे। अब अगला प्रश्न देखो, पुरैन पान हा कासन लगा थे,
करुण तरहे पुराइन पान हा थारी मा खीर कस लागत हे। अब ये देखो सही जोड़ी बनाओ। इमें दो खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में का लिखा है देख लेते हैं। केवट, खोखमा, जाता, चंदा, थारी। और खंड ब में पाऊ, खीर, मलगी, पानी, अंजोर। का करना है? खंड अ के सही जोड़ी ला बस मिलाना है। त केवट हा काका से मिली, हाँ केवट मलगी। खुखमा, खुखमा कहाँ रहते? पानी मा। हाँ तो खुखमा के सही जोड़ी काका से बनी पानी में। और जाता, जाता में का होते? पाव। पाव मतलब उकर मुठ लकड़ी के बने होते ना, जेला धर के इसे इसे जाता ला चलाते तेन। और चंदा की सही जोड़ी का बनी अंजोर। और थारी के, थारी में का खीर। बिल्कुल सही। अब चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाल है लिखा है शब्द के विरोधी, उल्टा रथ वाला छत्तीसगढ़ी शब्द बतावा। ये मेरे कुछ शब्द दे है देकर उल्टा रथ वाला छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। शब्द देखता है मया, अंजोर, पानी, धरती, अमृत। अंजोर के उल्टा रथ वाला शब्द क्या हो ही? अंधियार। पानी के आगे। धरती के उल्टा अर्थ क्या हो ही भाई? आकाश। और अमृत, अमृत के होते महुरा, जहर महुरा, सुने हो ना? अब अगला प्रश्न देखो। मुहावरा मल्ला वाक्य मा प्रयोग करो। ए मेरे मुहावरा दे है कुछ तेला तुम मल्ला वाक्य मा प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। काय काय है देख लेते हैं। पल्ला भागना, मुजोरी करना, आंखी दिखाना, भांडा फूट जाना और दंग रह जाना। तब पल्ला भागना मने का होते? डर्रा के जोरदार भागना। एकर वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कुकुर ला देख के बिलई पल्ला भाग गए। अब दूसरा देखो, मुजोरी करना। मुजोरी करना मतलब मुहे मुँह लेना। नानकुन लेका हा मुजोरी करत है। अब इला देखो, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब होते डरवाना। एकर वाक्य प्रयोग किसे हुई? बड़े भाई हा छोटे भाई ला आंखी देखागी कहीस, मोर हिस्सा के खजाने ला झनकावे। और भांडा फूट जाना, भांडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना है ना। तो एकर वाक्य प्रयोग करथन। अमृत और ईसब के अदल बदल वाला भांडा फूट गिस। दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब अकचका जाना। अकचका जाना कुछ चीज ला देख के एकदम अकचका जाना। एकर वाक्य प्रयोग का हुई? कुतुब मीनार के ऊंचाई ला देख के रमा दंग रह गिस। अब मैं तुम्हारा गृह कार्य देवा था जिला तुम्हारा अपन घर में करना है। पहला प्रश्न है बगरे है चंदा अंजोर। कविता मा कवि हा काकर वर्णन करे है? काकर वर्णन करे है तिला लिखना है। दूसरा प्रश्न है सुघर मोर गांव, विषय में कविता लिखाओ। जैसे अभी चंदा के ऊपर कविता लिखे हैं, चंदा के अंजोर के ऊपर पढ़े हैं, तो इसने सुघर मोर गांव विषय में कविता लिखना है। और तीसरा प्रश्न है बादल, नदिया, पेड़ और चंदा के चित्र बना के रंग भरो। अपन मन के चित्र बनावो या मन के और वो में अपन मनपसंद के रंग ला भरो। तलीका हो आज बर बस आज के, खेलत कूदत रहो, मस्त रहो और पढ़ाई तको करत रहो।